सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग बाय रंगरेज चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग बाय रंगरेज। आज की इस वीडियो में हम 6 से 7 साल के बच्चे के लिए शर्ट बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कलर के कपड़े के पीस लिए हैं। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये एक पीस मैंने ब्लैक कलर का ले लिया है जिसकी चौड़ाई 10 इंच है और लंबाई 22 इंच है। आप इससे ज़्यादा भी चौड़ाई का कपड़ा ले सकते हैं। ये मैंने एक वाइट पीस लिया है, दोनों सेम साइज़ के पीस है। तो यहाँ पर देखिए मैं 6 इंच पर मार्क लगा रही हूँ सारी तरफ, और इस मार्क को सीधा करके और इसे कट कर लेंगे। और यहाँ पर हम रेड कलर का पीस ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमने वाइट पीस कट किया है उसी के साइज़ का हमें रेड पीस कट कर लेना है। रेड पीस को मैं थोड़ा आधा इंच ज़्यादा बढ़ता हुआ कट कर रही हूँ क्योंकि हम इसे ज्वाइन करेंगे, तो मार्जिन के लिए आधा इंच मैं ज़्यादा कट कर रही हूँ। ये देखिए इसे हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो पहले हम इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए हमने ज्वाइन कर दिया है, अब हम इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये जो रेड वाइट कलर का जो पीस है वो उल्टे हाथ की तरफ आएगा, इसे हमें इस तरीके से रख लेना है। अब हम यहाँ पर 2-2 इंच पर मार्क लगा देंगे। अब इस मार्क को हमें सीधा कर लेना है। अब ये जो हमने मार्क लगाया है इसके इस तरफ हमें मार्किंग करना है। शोल्डर 12 इंच है तो 12 का हम हाफ करेंगे और उसमें आधा इंच हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे। 6.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया है, यहाँ पर हमें 7 इंच पर मार्क लगाना है। यहाँ चेस्ट का चौथा हिस्सा 7 है तो मैं यहाँ पर 1 इंच मार्जिन लेके 8 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। आप 1.5 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर मार्क लगा रही हूँ और यहाँ पर 8 इंच पर, और इस तरीके से हमें गोलाई दे देना है। यहाँ 2 इंच पर मार्क लगाना है और इसके आधे तक हमें यहाँ तक गोलाई दे देना है। आपके पास यहाँ कपड़ा ज़्यादा हो तो आप 1.5 इंच जितनी मार्जिन ले लें। अब यहाँ पर हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ एक मार्क लगाना है और यहाँ पर हमें 1 इंच मार्क लगाना है, और इन दोनों मार्क को हमें मिला लेना है और यहाँ पर इस तरीके से गोलाई दे देना है। यहाँ पर हमें 2.25 इंच पर मार्क लगाना है और इन दोनों मार्क को भी हमें इस तरीके से मिला लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें इसको, ये जो हमने मार्क लगाया है इससे आधे इंच ज़्यादा, हमें इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने ये 2 फोल्ड में कपड़े को रख लिया है। ये कपड़े का खुला हुआ साइड है और इस तरीके से हमें इसे इसके ऊपर रख लेना है। अब यहाँ पर हमें 2 इंच पर मार्क लगाना है और यहाँ जो हमने फ्रंट पे 6.5 इंच पर मार्क लगाया था वही 6.5 इंच पर मार्क लगा देना है, और एक यहाँ पर भी हमें 6.5 इंच पर मार्क लगा देना है और इन दोनों मार्कों को इस तरीके से मिला देना है। यहाँ 1 इंच शोल्डर डाउन का मार्क लगाना है और यहाँ 2.25, और इन दोनों मार्कों को भी मिला लेना है और यहाँ इस तरीके से हमें गोलाई दे देना है। और यहाँ हमें इस तरीके से इसी के बराबर मार्किंग कर देना है।
यहाँ पर हमें 1 इंच पर मार्क लगाना है और इस तरीके से हमें गोलाई दे देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क लगाना है और इस तरीके से गोलाई दे देना है और इसकी हमें कटिंग कर लेना है। ये देखिए बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। शर्ट में हम 2 कलर की स्लीव्स लगाने वाले हैं, ब्लैक और वाइट। तो पहले हम ब्लैक स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। 5 इंच की स्लीव्स हमें तैयार चाहिए, तो मैं 7 इंच पर यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ और यहाँ पर भी 7 इंच पर मार्क लगाना है और इन दोनों मार्क को सीधा कर लेना है। ये देखिए 7.5 इंच जितना मैंने कपड़ा फोल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क लगाना है और यहाँ पर 5.5 इंच पर, यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क लगाना है और इन दोनों मार्क को मिला लेना है और यहाँ पर इस तरीके से 1 इंच जितना सीधा मार्क लगाते हुए इस तरीके से शेप दे देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम एक और वाइट स्लीव्स की कटिंग करेंगे, इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखकर, और एक और स्लीव्स हम कट कर लेंगे। ये देखिए स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए मैंने ये कॉलर ली है, ये तैयार रेडीमेड ही मार्केट में मिल जाती है। कॉलर के दोनों पीस को मैंने अलग अलग कर लिया है। ये जो कॉलर है वो 13 इंच की तैयार है कटी हुई। अब हम शर्ट पर प्रेस की सहायता से शर्ट पट्टी और कॉलर को चिपका लेंगे। सारे ही पार्ट पर इसी तरीके से हमें प्रेस कर देना है। प्रेस करने से हमारा जो शर्ट है वो बहुत ही फिनिशिंग आ जाती है शर्ट में। तो ये देखिए फ्रंट के 2 पार्ट है। ये जो हमने मार्क लगाया था वहाँ पर हमें कट लगा लेना है ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें आगे की जो पट्टी है वो इतनी ही फोल्ड करना है। दोनों तरफ इस तरीके से कट लगा लेना है। अब हम इस पर भी प्रेस कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये पट्टी ली है, ये भी रेडीमेड बाज़ार में मिल जाती है शर्ट की पट्टी। तो ये जो कट है हमने लगाए हैं, कट के बराबर ही हमें इस तरीके से पट्टी को रख लेना है और इसे हमें प्रेस की सहायता से इसे इसके ऊपर चिपका देना है। अब इसे इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है। और फिर इस तरीके से एक और बार फोल्ड कर लेना है। अब हम फ्रंट का दूसरा पार्ट लेंगे। दूसरे पार्ट को हमने इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड किया था, इस पार्ट को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से ऊपर की साइड हमें फोल्ड करना है इसे। ये कट तक हमें इसे फोल्ड करना है। पहले हमें इस तरीके से फोल्ड करके एक बार प्रेस कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हमें एक बार फोल्ड करना है। और दूसरी बार इस तरीके से मार्किंग तक हमें फोल्ड करना है।
और इस तरीके से तीसरी बार हमें कट तक फोल्ड कर लेना है। अब हम स्लीव्स पर भी इसी तरीके से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से हमें प्रेस कर लेना है शर्ट पर। इस तरीके से प्रेस करने से हमारा जो शर्ट है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होता है। तो इस तरीके से हमें स्लीव्स पर भी डबल फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। अब हमें कॉलर को भी प्रेस की सहायता से कपड़े पर चिपका देना है। ये देखिए, मैंने इसी के साइज़ का कपड़ा लिया है और इसे हमें इस तरीके से रखकर इस पर प्रेस की सहायता से इसे चिपका देना है। अब ये मैंने दो पट्टी ली है एक ही साइज़ की, एक को हमें साइड में रख देना है और एक पट्टी पर हमें इस तरीके से कॉलर को चिपका देना है। अब यहाँ नीचे की तरफ से हमें आधा इंच जितना कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है और बाकी यहाँ तीनों तरफ हमें आधा इंच से कम मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है इस तरीके से। अब इन दोनों को इस तरीके से सेंटर मिलाते हुए और यहाँ पर सेंटर पर हमें कट लगा लेना है। अब नीचे की तरफ जो ये हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ा हुआ था इसे इस तरीके से फोल्ड करके इस पर प्रेस कर लेना है। अब हम शर्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो रेड वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें रेड धागे से ही सिलाई लगाना है दोनों तरफ, और यहाँ पर हमें वाइट धागे से दोनों तरफ सिलाई लगाना है। और ये जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर हमें इस पर भी हमें सिलाई लगा लेना है। और दोनों स्लीव्स पर हमें वाइट स्लीव्स पर वाइट धागे से हमें सिलाई लगाना है और इस पर ब्लैक से। तो ये देखिए, मैंने सारी ही पार्ट पर सिलाई लगा दी है। कॉलर के लिए नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर 2.25 इंच पर मार्क लगाना है और यहाँ पर 2.5 इंच पर, और इस तरीके से गोलाई दे देना है और इसकी कटिंग कर लेना है। अब हम कॉलर तैयार करेंगे। तो मैंने इसी के साइज़ का एक कपड़ा ले लिया है और यहाँ जो है वो हमारा खुला हुआ साइड रहेगा और यहाँ पर हमें तीनों तरफ सिलाई लगा देना है। सिलाई हमें कैनवास पर नहीं लगाना है, उसके करीब करीब लगाना है। तो ये देखिए, मैंने तीनों तरफ इसके सिलाई लगा दी है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। अब यहाँ से भी हमें नीचे की साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब यहाँ दोनों तरफ हमें कट लगा लेना है और यहाँ सारी तरफ बारीक बारीक कट लगा लेना है ध्यान से, ताकि हमारी सिलाई कट नहीं होना चाहिए
और फिर हमें इस तरीके से इसे पलट देना है और कैंची की सहायता से दोनों कोने को निकाल देना है। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पर तीनों तरफ सिलाई लगा देना है और यहाँ पर भी हमें एक सिलाई लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से भी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा और कट कर लूँगी। और इसके यहाँ पर सेंटर में मैं कट लगा लूँगी। अब ये एक और जो कॉलर है उस पर हमने जो बीच में कट लगाया था, ये हमारा कॉलर वाला फिनिशिंग वाला हिस्सा है। दोनों फिनिशिंग वाले हिस्से को एक के ऊपर एक इस तरीके से रखना है, कट से कट मिलाते हुए। और यहाँ से हमें सिलाई शुरू करना है और यहाँ तक सिलाई लगा देना है और वापस से हमें कट से सिलाई शुरू करके और यहाँ तक सिलाई लगा देना है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है इस पर। अब ये जो हमने एक और पट्टी ली थी कॉलर के बराबर, इसे लेना है और कॉलर को इसके ऊपर रख कर और इस तरीके से हमें इसके दोनों तरफ से इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरीके से कॉलर के करीब करीब हमें तीनों तरफ सिलाई लगा देना है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें दोनों कोने पर कट लगा देना है और यहाँ सारी तरफ बारीक बारीक कट लगा देना है। कॉलर को हमें सीधा कर लेना है। अब इस पर हम प्रेस करके इसे अच्छी तरीके से जमा देंगे। ये देखिए मैंने इस प्रेस करके इसको अच्छी तरीके से जमा दिया है। अब यहाँ कॉलर के नीचे से हमें आधा इंच जितना कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। अब इस तरीके से हमें कॉलर के भी सेंटर में कट लगा लेना है यहाँ पर। अब ये शर्ट का भी एक पार्ट ले लिया है मैंने और इसे इस तरीके से सीधी तरफ से हमें रख लेना है और इस पर इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को उल्टा रख लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमें शोल्डर जॉइंट करने के लिए सिलाई लगा देना है। अब हमें इस तरीके से पहले कॉलर को नाप लेना है कि ये हमारी कॉलर बराबर है या नहीं। इस तरीके से देखिए हमारी कॉलर बराबर है। अब हम शोल्डर के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये जो बैक वाला पार्ट है यहाँ से हमें इस तरीके से इसको उठाकर और बारीक बारीक हमें यहाँ पर कपड़े को छाट लेना है इस तरीके से दोनों ही शोल्डर पर। और इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगा देना है। इससे हमारे शोल्डर के उल्टी साइड पर भी फिनिशिंग आ जाएगी। अब इस तरीके से हमको इसको पीछे की तरफ करते हुए इसके ऊपर शोल्डर पर बारीक सिलाई लगा देना है दोनों तरफ। अब स्लीव्स की दोनों फोल्डिंग वाली साइड हमें अंदर की साइड रखना है उल्टी साइड दोनों स्लीव्स के अंदर की तरफ है। और यहाँ पर हम आधा इंच पर मार्क लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें इस तरीके से शेप दे देना है और इसकी कटिंग कर लेना है। अब इस तरीके से दोनों आर्महोल वाली साइड को मिलाते हुए और यहाँ पर हमें इसका सेंटर निकाल लेना है और यहाँ पर कट लगा लेना है दोनों ही तरफ। इसी तरीके से हमें इसका सेंटर निकालते हुए कट लगा देना है।
ये जो हमने कट लगाया है यहाँ से ही हमारी स्लीव जॉइंट होगी। तो पहले हमें स्लीव्स को ले लेना है, स्लीव्स की सीधी साइड लेना है हमें, और सीधी साइड पर ही हमें इस तरीके से बारीक बारीक यहाँ से हमें ऊपर की साइड से फोल्डिंग कर लेना है। दोनों स्लीव्स पर हमें सीधी साइड पर बारीक बारीक फोल्ड कर लेना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से सीधी साइड पर बारीक बारीक फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारी वाइट वाली स्लीव्स है वो ब्लैक वाली साइड पर अटैच होगी और ब्लैक वाली वाइट साइड पर हमारी अटैच होगी। तो पहले हमें यहाँ पर इसके सेंटर में यहाँ पर मार्क लगा लेना है दोनों ही स्लीव्स पर इस तरीके से। अब हमें ब्लैक स्लीव्स ले लेना है और ये जो हमने कट लगाया हुआ है इससे मार्क को मिलाते हुए यहाँ से हमें सिलाई शुरू करना है इस तरीके से, यहाँ निकाल देना है और फिर से हमें यहाँ से सिलाई शुरू करना है और इस तरीके से हमें स्लीव्स को जॉइंट कर देना है। इस स्लीव्स को भी हमें इसी तरीके से जॉइंट करना है कट से मार्क को मिलाते हुए, और इस तरीके से हमें इधर से जॉइन करना है इसे, और फिर हमें यहाँ से फिर से यहाँ तक हमें सिलाई लगा के इसे स्लीव्स को जॉइन कर देना है। ये देखिए दोनों ही स्लीव्स हमारी जॉइंट हो गई है और मैंने इसके ऊपर इस तरीके से एक और सिलाई लगा दी है, और ये बैक साइड है वहाँ पर भी हमारी फिनिशिंग आई है इस तरीके से। अब हम कॉलर जॉइंट करेंगे। तो हमने शर्ट को सीधी तरफ से रख लिया है। अब ये जो हमने कॉलर पर कट लगाया हुआ था इससे कट से यहाँ पर हमें कट से कट को मिलाना है इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से हमें कट से कट मिलाते हुए दोनों तरफ इस तरीके से हमें सिलाई लगा देना है। आप चाहे तो यहाँ से भी इस तरीके से जॉइंट कर सकते हैं कट से कट मिलाते हुए इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। ये देखिए दोनों कोने हमारे जो है कॉलर के फिनिशिंग से आए हैं। उसे इस तरीके से हमें इसको सिलाई वाले कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए इसके ऊपर हमें एक और सिलाई लगा देना है कॉलर के ऊपर। इस तरीके से इसको अंदर की तरफ करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, कॉलर जॉइंट हो गई है हमारी। अब हमें यहाँ पर फिटिंग लगा देना है, दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा देनी है आधा इंच जितनी, दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा देना है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब हम शर्ट को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हमें पहले इसे नीचे की तरफ से एक बार फोल्ड करना है और फिर हमें इसे एक और बार इस तरीके से फोल्ड करना है, और यहाँ पर हमें वाइट धागे से फोल्ड करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।